गाइस कैसे उम्मीद करते हैं बेहतर। देखिए टर्म वन एग्जामिनेशन को लेकर बहुत बड़ी अप टू डेट अब बड़ी खबर आई है, जिसमें आपको तीन अपडेट आपको है वो जल्द से जल्द वीडियो को पूरी तरह से देखें। और हमारे जो न्यू व्यूवर है उनमें छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के माध्यम से मिले। देखिए डेट शीट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट शीट कब रिलीज होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और LOC क्या है, और क्या फाइनल एग्जामिनेशन क्या टर्म वन और टर्म टू का क्लास 10-2 का एग्जामिनेशन जो होगा, टर्म टू एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सारी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिला। सो वीडियो के साथ बने रहे। टर्म वन का एग्जामिनेशन 10 और 12 का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। जी हाँ गए स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपका टर्म वन का एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए CBSE पूरी तरह से तैयारी कर रही है और फॉर्म भी फिलअप कर लिया जा चुका है, और LOC जो है आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है स्कूल के द्वारा से 30 सितंबर तक भेजने के लिए कहा गया था, जिसमें कि बच्चों का 1500 रुपया लग रहा था एग्जामिनेशन फी। लेकिन बहुत से स्कूलों ने इसमें धांधली तरह से किया, किसी से 5000 किसी से 6000 लिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से CBSE को भी इंफॉर्मेशन मिला है तो CBSE ने कुछ एक्शन लिया है। अब ये देखने वाली बात है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का तो डेट खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी क्या है 10% बच्चे का जो है LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है CBSE के पास नहीं पहुंचा है। दूसरी आपको अपडेट है यह है कि डेटा शीट आपका कब आएगा। डेट सीट जो है टर्म वन का जो एग्जामिनेशन जो है वो मिड नवंबर में होगा। CBSE पूरी तरह से 10 और 12 का टर्म वन एग्जामिनेशन मिड नवंबर में ले लेगी, और डेट सीट जो है वो आप लोगों का रिलीज मिड अक्टूबर, यानी कि एटलीस्ट मान के रखिए कि 12 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका डेट शीट आ जाएगा। सो गाइज आप लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन जब का डेट शीट आएगा तब फिर तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा गलती कर रहे हैं। प्रिपरेशन आप शुरू कर दें, क्योंकि इस बार टर्म वन में पहली बार जो है CBSE एक प्रैक्टिकल कर रही है MCQ, और वो भी OMR सीट पे, आपके OMR सीट का प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि OMR सीट को फिलअप करने में बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, इरर कर जाते हैं, जिसके कारण से उनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चला जाता है या RT लग जाएगा। RT डैट मीन्स वो आपको कंपार्टमेंटल लग जाएगा। जब तक टर्म वन आप क्लियर नहीं करेंगे टर्म टू का रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा। ये सब बातों को जरा सा करके आप अपनी पढ़ाई को तैयारी शुरू कर दें गाइस। और MCQ क्वेश्चन है, पहली बार MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान है। इसी तरह लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।